हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो अभी रिक्रूटमेंट आया है जूनियर इंजीनियर के, उसके फॉर्म फिलअप के बारे में। तो देख सकते हैं ये CPCL का ऑफिशियल वेबसाइट है। इन केस अगर आपने नोटिफिकेशन अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ ताकि आप उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर पाइए। अब यहाँ पे मैं ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूँ। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, हर एक ब्रांच लगभग यहाँ पे आपको एलिजिबल किया गया है। तो अपना अपना ब्रांच के हिसाब से आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी, एक आपको एक्सपीरियंस वालों के लिए है और एक फ्रेशर्स वालों के लिए है। तो एक जो एक्सपीरियंस है उस पर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ, बस पोस्ट का नाम है, और जो फ्रेशर्स के लिए उस पर आपको ट्रेनी मेंशन किया गया है। तो जहाँ पर ट्रेनी मेंशन किया गया है, लगभग हर एक के नीचे एक के नीचे करके आपको एक एक छोड़ के आपको ट्रेनी मेंशन किया गया है। तो जहाँ पर आपको ट्रेनी है वहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है। प्रोडक्शन ट्रेनी में फ्रेशर्स एलिजिबल है, मैकेनिकल ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनी, देन इन दोनों ट्रेनी में आपका यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है। देन फायर एंड सेफ्टी ट्रेनी, यहाँ पर भी आपका फ्रेशर्स एलिजिबल है। फायर एंड सेफ्टी में आपको ITI बोला गया है, तो काफ़ी अच्छा बात है। अगर आप डिप्लोमा है या फिर ITI है, आप यहाँ पर एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ स्क्रॉल करके नीचे डायरेक्ट ही। तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट है 24/3 से, और एक क्लोजिंग डेट आपका होगा 14/4 तक। तो 14/4 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न का डेट बोल दिया गया यहाँ पे 8/5 तारीख को, और एडमिट कार्ड आपका 2/5 को आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपका फॉर्म फिलअप के बारे में, फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइएगा और स्क्रॉल करके नीचे जाना है। इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इसको आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, या फिर आपको आई रीड पे क्लिक करके कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स ये सब फिलअप करना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेनी है तो ट्रेनी सेलेक्ट कीजिएगा, ट्रेनी नहीं है अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाले पे सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे ट्रेनी वाले पे क्लिक करने वाला हूँ विदाउट एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो रहेगा ब्रांच आप उस हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं नेशनैलिटी, तो सेलेक्ट नेशनैलिटी दे रहा है, तो यहाँ पे मैं इंडियन सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे देख सकते हैं नेम एज़ पर 10th मार्क्सीट, तो आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है 10th के मार्क्सीट के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर, उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन, नेक्स्ट उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, नो, सेलेक्ट कम्युनिटी टू विच, आप किस यहाँ पे कैटेगरी से, जनरल, OBC, SC, ST, EWS। तो यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी से आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ SC कैटेगरी। नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो, डेट ऑफ बर्थ, एज लिमिट का ध्यान देंगे, एज लिमिट 26 ईयर है आपका, जो विदाउट एक्सपीरियंस है 30 ईयर है एक्सपीरियंस वालों के लिए, फ्रेशर्स के लिए 26 ईयर है जनरल कैटेगरी के लिए, बाद बाकी को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका डेट यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया गया है आपका एज। नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल आईडी, देन दोबारा से ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर। अब उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो ये सारा चीज़ आप फिलअप कर लीजिएगा, देन OTP आएगा, OTP यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, और यहाँ पे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड फिलअप कीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऊपर का डिटेल्स फिलअप कर लीजिएगा, OTP डाल दीजिएगा, OTP डालने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है कैप्चा कोड डालने के बाद। अब ध्यान देंगे आपके सामने यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको मैसेज भी आ जाएगा आपके फ्यूचर यूज़ के लिए। नीचे आना है यहाँ पे दोबारा से, आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉग इन, यहाँ पे आपको दोबारा से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी, जो पासवर्ड आपको अभी मिला है वो यहाँ पे फिलअप करना है। देन यहाँ पे फिलअप करने के बाद लॉगिन करना है, और यहाँ से आपका जो एक्चुअल फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आपको यूज़र आईडी पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालने बोला जाएगा, फिर न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड, मतलब कि आपको अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा, जो कि हर एक कंडीशन में होता है क्योंकि ये रैंडम पासवर्ड जनरेट हुआ था। तो यहाँ पे आपको पहले अपना पुराना पासवर्ड जो आपने अभी आया हुआ है आपके मोबाइल पे उन पे वो ऊपर में डालिए,
देन अपने आपका नया पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है। अब नया पासवर्ड का एक तरीका होता है कैसे आपको पासवर्ड बनाना है, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर होना चाहिए, और इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के आपको टोटल 8 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, 8 वर्ड से कम नहीं। अब देख सकते हैं इस तरह कॉम्बिनेशन बना लीजिए, बनाने के बाद फिलअप कीजिए और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा आपका पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो जाएगा और उसको अपडेट कर लीजिएगा, और वही पासवर्ड आप याद रखिए क्योंकि अब वो पासवर्ड आपका रीसेट हो चुका है। तो ये जो न्यू पासवर्ड ये आप कहीं पर लिख के रख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जब आप यहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह आगे का कोई प्रोसेस कीजिएगा 2 महीने 3 महीने या 1.5 महीने बाद, तो आपको यही सब चीज़ काम आएगा आंसर की वगैरह चेकआउट करने के लिए। देन यहाँ पर आई हैव रीड पर क्लिक करना है और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका एक्चुअल फॉर्म स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, देन एकेडमिक डिटेल्स, देन वर्क एक्सपीरियंस, देन अपलोड फोटोग्राफ्स, देन अपलोड सिग्नेचर, देन अपलोड डॉक्यूमेंट, देन प्रीव्यू, देन सबमिट, ये पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है अब। सो नीचे आइएगा तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय फ़िलअप किया था वो ऑलरेडी फ़िलअप रहेंगे, तो उसके अलावा जो डिटेल्स है वो सब आपको नीचे फ़िलअप करना रहेगा। तो एक एक करके फ़िलअप कर लेते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम या मैरिटल स्टेटस, मदर टंग, फोटो आईडी प्रूफ, ये सारा चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिलअप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ आपका सेलेक्ट करना है। अब आईडी प्रूफ में ध्यान देंगे, जो भी आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट करेंगे वही आईडी प्रूफ आपको एट द टाइम ऑफ एडमिट कार्ड यानी कि एग्ज़ाम के समय आपको लेके जाना पड़ेगा। तो आधार कार्ड, देन आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर आपको डालना है। तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल आधार कार्ड का नंबर है वही फ़िलअप कीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में एंट्रेंस में आपको चेकआउट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस। अब एड्रेस पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, देन आप सिटी यहाँ पे टाइप कीजिएगा। देन पिन कोड, देन डिस्ट्रिक्ट, देन तालुक, देन यहाँ पे आपको लाइन 1 लाइन 2 किसी टाउन, नगर, बस्ती, जिस भी जगह के आप रहने वाले होंगे यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा वो एड्रेस जो आपका एक्चुअल आधार कार्ड पे होगा, और यहाँ पर आपका होम नंबर, क्वार्टर नंबर, जो भी आपका एरिया वगैरह होगा, रोड वगैरह, जो भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एक्चुअल जो आपका आधार कार्ड पर रहेगा वही टाइप कीजिएगा क्योंकि ये आपका वेरिफिकेशन में यूज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपका जो भी है ये दोनों आपका सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये सेव हो जाएगा। सेलेक्ट प्रेफरेंस सिटी, तो परीक्षा का शहर यहाँ पर पहले मैंने बोला था आपको चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर, तो इन चारों में से आपको एक सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर चेन्नई सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं एकेडमिक डिटेल्स। अब एकेडमिक डिटेल्स में यहाँ पर आपको कैटेगरी ए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द बोर्ड, तो पहले आपको 10th का यहाँ पर डिटेल्स सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आपको तमिलनाडु स्टेट बोर्ड है, एंग्लो इंडियन बोर्ड है, मैट्रिकुलेशन बोर्ड है, ओरिएंटल बोर्ड है, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड यहाँ पर बहुत सारा है जिसका नाम नहीं है। तो अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से यहाँ पर पास आउट है तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप CBSE, ICSE है तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, और इनमें से अगर आपका है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आप किस ईयर और किस मंथ में पास आउट हुए थे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो एग्जैक्ट आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट में मैट्रिक का वही फ़िलअप कीजिएगा, अपने मन से अंदाज़ा लगा के यहाँ पे फ़िलअप मत कीजिएगा क्योंकि ये सब चीज़ आपका चेकआउट होता है। तो मान के चलिए आप 2015 में पास आउट हुए हैं और अगर आपका रिज़ल्ट निकला था, रिज़ल्ट वैसे आपका निकलता है मार्च, अप्रैल, मई के टाइम पे ही, तो आपका मान लीजिए अप्रैल में रिज़ल्ट निकला था, तो यहाँ पर उसी हिसाब से कीजिएगा। ओके, देन यहाँ पर आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंटेज आपका आया था, तो एग्जैक्ट वही टाइप कीजिएगा, अपने मन से मत यहाँ पर राउंड फिगर वगैरह लीजिएगा, आप एक बार मार्कशीट निकाल के देख के ही यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। देन मार्कशीट नंबर,
अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपका टॉप पर राइट या लेफ्ट साइड में CBSE हो, ICSE हो या फिर आपका स्टेट बोर्ड हो, सभी आपका सर्टिफिकेट में ऊपर में कहीं पे कॉर्नर पे या नीचे में लेफ्ट राइट में आपका यहाँ पे मार्कशीट में नंबर दिया रहता है, तो वो मार्कशीट का नंबर लिख लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से होता है, अल्फ़ा न्यूमरिक भी हो सकता है या सिर्फ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है। तो मैं एग्जांपल के यहाँ पे फिलअप कर दे हूँ, आपका जो एग्जैक्ट रहेगा वही फिलअप कीजिएगा। मार्कशीट नंबर ध्यान देंगे, एक नंबर होता है जो सर्टिफिकेट का नंबर होता है ऊपर में, जिसे ट्रैकिंग किया जाता है कि वो सर्टिफिकेट कब प्रिंट आउट हुआ, वो यहाँ पे फिलअप करना है। रोल नंबर वगैरह नहीं है, ये मार्कशीट नंबर है, ध्यान देंगे। कॉर्नर पे रहता है मार्कशीट के ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे। नेक्स्ट यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आपका ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ सेलेक्ट कीजिएगा, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिएगा। जो लोग यहाँ पे ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा किए, वो पहले ट्वेल्थ का डिटेल सेलेक्ट कीजिएगा देन डिप्लोमा, और जो नॉर्मल होंगे टेंथ के बाद डिप्लोमा, वो डायरेक्ट यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले, उसके बाद देख सकते हैं डिप्लोमा में स्पेशलाइजेशन। तो आपको यहाँ पे ब्रांच अपना लिख देना है, जिस भी ब्रांच से आप है, नेक्स्ट यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टडी फ्रॉम पीरियड ऑफ स्टडी टू, सबसे पहले आपको यहाँ पे टू वाला सेलेक्ट करना है, जिस भी डेट पे आपका ख़त्म होता है, कोई भी फॉर्म फिलअप कीजिए, सबसे पहले टू वाला सेलेक्ट कीजिएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मान के चलिए कि आप डिप्लोमा पास आउट हुए 2020 में, तो यहाँ पे 2020 सेलेक्ट कीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपका जो फ्रॉम है इस पर आ जाना है आपको। सो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए 2018 ले रहा हूँ कि 2018, क्योंकि 2015 में अगर मैट्रिक दिया, मैट्रिक के बाद आप डायरेक्ट डिप्लोमा किए, तो 2018 में ही डिप्लोमा पास आउट हुए होंगे। तो यहाँ पे 2018 लेके डन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देन यहाँ पर मैं फ्रॉम आ रहा हूँ 2015 ले रहा हूँ। तो टोटल देख सकते हैं ये आपका 3 साल का ड्यूरेशन हो गया है, और 3 साल का ही डिप्लोमा होता है, तो ये आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ये इंपॉर्टेंट है किस मंथ और ईयर में पास आउट हुए, तो इसलिए मैंने आपको बोला था पहले टू लास्ट वाला सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद स्टार्टिंग में जाइएगा। तो मान के चलिए आप 2018 में पास आउट हुए हैं, तो यहाँ पे आपका जो डिप्लोमा का रिजल्ट होता है वो हमेशा आता है जून, जुलाई, अगस्त, इन सब मंथ्स में से। तो यहाँ पे आपका जो भी रहेगा, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ अगस्त का, ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त 2018। नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, तो आपका एग्रीगेट जो भी परसेंटेज है 6 सेमेस्टर को मिला के, वो यहाँ पे आपको टाइप करना है, जो भी एग्जैक्ट आपका परसेंटेज होगा वही टाइप कीजिएगा, राउंड फिगर वगैरह मत कीजिएगा। देन रजिस्ट्रेशन नंबर, अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रोल नंबर रहता है वो यहाँ पे टाइप करना है आपको अपने डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के हिसाब से, जो भी आपका रहता है अल्फ़ाबेट या फिर अल्फा न्यूमेरिक या फिर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसको बोलते हैं, या फिर आपका रोल नंबर जिसको बोलते हैं, हर एक जगह पे अलग होता है। किसी जगह पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इंपॉर्टेंट होता है, किसी जगह पे आपका रोल नंबर, तो अपने अपने हिसाब से लिखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा, कहीं कहीं रोल नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी किसी बोर्ड में, तो रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। जो भी आप रिज़ल्ट देखिएगा वहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रिज़ल्ट में रोल नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर टाइप कर रहा हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं अदर्स जैसे सेलेक्ट करेंगे, अदर बोर्ड का नेम यहाँ पे डालने का आ रहा है, तो यहाँ पे छूट गया था। आप यहाँ पे जो बोर्ड के होंगे टेंथ पहले यहाँ फिलअप कर लीजिएगा। सो इसको मैंने फिलअप कर लिया, देन यहाँ पे वापस से जाके मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ।
देख सकते हैं ये आपका सेव हो गया। अब आ गया आपके पास वर्क एक्सपीरियंस का कॉलम। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस था, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वाले में सेलेक्ट किए रहेंगे तो यहाँ पर फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, बट मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस वाला पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस फिलअप करने नहीं आया है। सिंपल से यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आया है, यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर अपलोड फ़ोटो, अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, 20 KB से लेकर 60 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए। मैं यहाँ पे पहले आपको अपलोड कर दे रहा हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ अगर आपका फ़ोटो 2-3 MB 4 MB 5 MB का है या फिर 800-900 KB का है तो उसको आप कैसे 20 से 60 KB में कन्वर्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू विदाउट क्वालिटी रिड्यूस हुए। अच्छा क्वालिटी भी रहेगा और 20 से 60 KB में ये हो भी जाएगा मोबाइल फ़ोन से ही 2 से 4 मिनट के अंदर। पहले मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, सिंपल से यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, फाइल्स पे जाना है, देन मैं यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल के लिए एक फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं ये फ़ोटो आपका 39 KB का है तो ये आपका क्राइटेरिया में फिट बैठता है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर दे रहा हूँ। देख सकते ये अपलोड हो चुका है। अब मान के चलिए कि आपके पास जो फ़ोटो आपका 2-4 MB का है या फिर 800-900 KB का है वो आपका 20 से 60 KB के बीच का नहीं है, तब आप उसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही। अब मान के चलिए आपके पास ये फ़ोटो है आपका, ये आपका 800-900 KB या 2-4 MB का जो भी है आपका, इसको आपको कन्वर्ट करना है। सिंपल सा एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है क्यू रिड्यूस लाइट, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपल सा आप गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिएगा क्यू रिड्यूस लाइट, वो आ जाएगा, उसको आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद इंस्टॉल जैसे आपका फ़ोन में हो जाएगा तो सिंपल सा आपको गैलरी में आना है, आपका फ़ोटो पे आना है जो भी आपका था 2-4 MB का या फिर 800-900 KB का जिसको आपको कन्वर्ट करना है। शेयर के बटन पर क्लिक करना है, जैसे ही आप शेयर के बटन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्यू रिड्यूस लाइट दिख रहा होगा, मेरे यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिख रहा है, आपके यहाँ पे हो सकता है पीछे भी दिख रहा होगा, जो भी, तो आपको एक बार स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर लेना है और इस आइकन पर आपको क्लिक करके शेयर कर देना है। जैसे आप इस पर शेयर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है आपका कन्वर्ट करने का। अब मान लीजिए आपका MB यहाँ पे 2-4 MB का होगा या 800-900 KB का, तो आपको जितना में भी करना है, मेरा यहाँ पे 20 से 60 KB मांग रहा था, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जस्ट 55, जैसे 55 टाइप कर दूँगा यहाँ पे मैं, उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्रेस पे क्लिक कर देना है जो यहाँ नीचे दिख रहा है, 4 से 5 सेकंड लगेगा और ये आपका कंप्रेस हो जाएगा। और फ़ोटो आपको मिलेगा कहाँ पर, तो ये आपको फ़ोटो मिलेगा आपके इंटरनल मेमोरी कार्ड में, एक फ़ोल्डर बन गया रहेगा जिसका नाम है क्यू रिड्यूस लाइट, उस फोल्डर के अंदर पे आपको ये फ़ोटो मिल जाएगा, या फिर आपके इंटरनल मेमोरी कार्ड में एक फ़ोल्डर होगा पिक्चर्स नाम का, उस पिक्चर्स के नाम के फोल्डर के अंदर क्यू रिड्यूस लाइट नाम का एक और फोल्डर बन गया होगा, वहाँ पर यह फ़ोटो आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से आप ये फ़ोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से चूज़ करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर लेने के बाद सिंपल से आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, देन उसके बाद दोबारा से आपको अपलोड सिग्नेचर पर आना है। अब सिग्नेचर अपलोड करने का देख सकते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया 10 से 30 KB के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए, तो 10 से 30 KB के बीच में सिग्नेचर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। सेम आपको क्राइटेरिया यूज़ करना है, जाना है गैलरी में, सिग्नेचर आप जो भी आप साइन कर लीजिए वाइट पेपर पे, अभी ब्लैक इंक पेन से, और उसका उसका फ़ोटो ले लीजिए, 1-2 MB का जो भी आपका फ़ोटो आएगा उसको वापस से जाना है, शेयर करना है क्यू रिड्यूस लाइट में, वहाँ पर जाना है आपको, जैसे 30 KB बोल रहा है तो आपको वहाँ पर जस्ट 25 KB टाइप कर देना है और वहाँ पर आपका 5 से 6 सेकंड में वो फ़ोटो आपका कन्वर्ट होकर 25 KB के आसपास का हो जाएगा। और जस्ट आपको जाना है चूज़ फाइल और वापस से सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आपका रहेगा, मैंने बता दिया इंटरनल मेमोरी कार्ड में क्यू रिड्यूस लाइट नाम का फोल्डर बन गया होगा या फिर पिक्चर्स नाम के अंदर क्यू रिड्यूस लाइट का फोल्डर बन गया होगा पिक्चर्स फोल्डर के अंदर, सेलेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, 14 KB का फाइल है, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा ईजिली, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब लास्ट आपको अपलोड डॉक्यूमेंट आया, अब अपलोड डॉक्यूमेंट का यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का साइज़ भी यहाँ पे बोल दिया गया है 60 KB से लेकर 2 MB के बीच में। अब यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट बोला गया अपलोड करने के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना रहता है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आपका जो डॉक्यूमेंट हो आपका 2 MB से कम का है या नहीं है। अगर 2 MB से ज़्यादा होगा तो बहुत सारे वेबसाइट आते हैं गूगल पे, गूगल पे जस्ट आपको टाइप करना है PDF फाइल रिड्यूसर या PDF फाइल
कंप्रेसर, आपको बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा सिंपल सा। आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका साइज़ कन्वर्ट होके वहाँ पे दे देगा। तो 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, आपका 2 MB से कम का हो जाएगा कंप्रेस कर करके। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब कि मैंने यहाँ पे SC ST सर्टिफिकेट यहाँ पे सेलेक्ट किया था, इसलिए आ रहा कैटेगरी का, तो मुझे अपलोड करना है। आपके केस में अगर जनरल है तो ये सर्टिफिकेट नहीं आएगा, और अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट की है तो आएगा। यहाँ पे SSLC सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट मुझे अपलोड करना है। आपके केस में 2 भी हो सकता है अगर आप कैटेगरी के नहीं है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ अपलोड पे, देन चूज़ फाइल पे। अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है यानी कि आपका जो SC ST OBC सर्टिफिकेट है, अगर सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु गवर्नमेंट से है तो ही यहाँ पे रिजर्वेशन के अंदर आएगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट है तो ऑल ओवर इंडिया से आपका यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तमिलनाडु वाले को यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया के है तो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे। तो ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एग्ज़ाम्पल के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा था। सो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एक फॉर्म है, कोई भी एक PDF है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ उस PDF को और यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। देन आई कन्फर्म, देन नीचे यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सिस्टम है, आप देख लीजिएगा, अगर आपका फाइल नेम में स्पेशल कैरेक्टर होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, तो फाइल नेम को आपको रीनेम करना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, मैं यहाँ पे नॉर्मल फाइल नेम है उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। अब देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन प्रिंट नाम का नॉर्मल है, यहाँ पे सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट्स है तो ये आराम से अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका ये देख सकते हैं HAL ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये भी अपलोड हो जाएगा, बट जिसमें नंबर्स है या फिर जिसमें डैश है या फिर कॉमा है, ये सब अपलोड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट एप्लीकेशन प्रिंट है इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, आपको भी रीनेम कर लेना है अपना फाइल का नेम को। एक क्राइटेरिया और है, फाइल अपलोड करते समय आपका फाइल का नेम में स्पेस भी नहीं यूज़ होना चाहिए, मतलब कि देख सकते ये एप्लीकेशन प्रिंट है तो एप्लीकेंट के बाद जो स्पेस है वो भी नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म है तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन के बाद स्पेस है ये भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा आप रीनेम कर लीजिएगा, एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, या फिर आप जो भी कास्ट है तो कास्ट सिर्फ लिख लीजिएगा सर टाके, तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो जस्ट लिखा हुआ इसको अपलोड करूँगा, ये तुरंत अपलोड हो जाएगा। सो देख सकते हैं ये एप्लीकेशन लिखा हुआ फॉर्मेट अपलोड हो गया क्योंकि इसमें कोई भी स्पेस नहीं था, कोई भी स्पेशल करेक्टर, कोई भी कॉमा वगैरह नहीं था। तो ये आपको ऊपर में मेंशन किया। इसी तरह से मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर ले रहा हूँ, सेम फाइल अपलोड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाना है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए अपलोड कर रहा हूँ, आप अपना एक्चुअल सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। आई कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, देन यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ, देन अगेन, सो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली आपका तीनों सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं, देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा और लास्ट टाइम आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, अगर कोई गलती हुआ है तो एक बार चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है नीचे आके, और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पेमेंट लगने वाला होगा तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और अगर आपको फ़ी का एग्जम्पशन होगा तो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। आई एक्सेप्ट एंड सबमिट, देख सकते हैं जिसमें पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि अगर आप कैटेगरी वगैरह के रिलैक्सेशन है तो यहाँ पेमेंट अप्रूव लिखा हुआ आ गया और एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सो कुछ इस तरह से आपका फॉर्म मिल जाएगा। सो फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।